सो हेलो एवरीबॉडी, आज की वीडियो में यार आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है भाई कॉलेज रिव्यू ऑफ बेनेट यूनिवर्सिटी नोएडा फॉर एमबीए। तो यार अगर आप लोग एमबीए करने का प्लान कर रहे हो बेनेट यूनिवर्सिटी से, तो ये डिटेल वीडियो होने वाली है जिसमें हम सारी चीजें कवर करेंगे, फिर चाहे वो फीस हो, फिर चाहे वो प्लेसमेंट हो, फिर चाहे वो कोई भी और चीज हो। तो यार इस वीडियो को देखना, एंड तक देखना, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैंपस की, ठीक है? तो बेनेट यूनिवर्सिटी जो है इसका कैंपस सिचुएटेड है नोएडा में। तो यार ये बिल्डिंग्स हैं कुछ, तो इसका जो कैंपस है ना वो तुम्हें यार फॉरेन यूनिवर्सिटीज की तरह दिखेगा, ठीक है? क्योंकि ये वहां से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। तो बात करें इसके एस्टैब्लिशमेंट की, तो ये बहुत नया कॉलेज है यार। तो 2016 में एस्टैब्लिश हुआ है ये कॉलेज, ठीक है? तो काफी नया कॉलेज है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नया कॉलेज है मतलब एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये एक डीमेरिट हम कह सकते हैं, बट हाँ इतना नया भी नहीं है, ठीक है? 2016 हो गए, तो अभी तो 2024 चल रहा है, तो ठीक है अच्छा खासा पुराना टाइम हो चुका है, बट हाँ 2016 का कॉलेज है। कॉलेज टाइप की बात करें तो यार एक प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है? प्राइवेट कॉलेज होने वाला है एमबीए के लिए। कैंपस एरिया की बात करें तो 68 एकर्स में फैला हुआ है, ठीक है? काफी अच्छा एरिया है, ठीक है? अब बात करें कनेक्टिविटी की, कि अगर तुम यहाँ एडमिशन ले रहे हो तो आसपास कनेक्टिविटी कैसी है, अगर आते जाते हो तो कनेक्टिविटी कैसी देखने को मिलेगी। तो अगर बाय एयर आना चाह रहे हो तो 58.4 किलोमीटर फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है? 58.4 किलोमीटर दिखेगा तुम्हें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसकी दूरी है। फ्रॉम एनसीआर रीजन इट इज 70 किलोमीटर, ठीक है? अब बात करें यार मोड ऑफ एडमिशन की, कि भैया हमें एडमिशन लेना है यहाँ पे तो कैसे ले सकते हैं। तो यार कैट का पेपर होता है, जैट का होता है, सीमैट का होता है, जीमैट का होता है, ठीक है? और ये सीयूईटी, इन सब के हिसाब से एडमिशन होते हैं, ठीक है? इन सबका जो वैलिड स्कोर होगा वो तुम्हारा देखा जाएगा और तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। बाकी इनके स्कोर्स पे स्कॉलरशिप और बाकी चीज़ें भी मिलती हैं, वो मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? तो स्कॉलरशिप और हॉस्टल डिस्काउंट भी यहाँ पे अवेलेबल है, और एडमिशन क्वेरी तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करें यार कि क्या क्या तुम कर सकते हो। तो पहली बात यार तुम एमबीए कर सकते हो, ठीक है? तो एमबीए क्या होता है, जो हम यार अपनी अंडर ग्रेजुएशन की बात करते हैं उसे एमबीए कहते हैं, वो तुम कर सकते हो। या चाहो तुम अपनी अंडर ग्रेजुएशन यानी बीबीए भी कर सकते हो, और चाहो तो दोनों भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज है, सारी चीजें अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी देख लो यार, 50% मार्क्स होने चाहिए तुम्हारे अपने यार ग्रेजुएशन में जो तुमने अंडर ग्रेजुएशन में करी है, ठीक है? रैंकिंग की बात करें तो यार आईआरएफ ने इसे नॉर्थ जोन में दिया यार प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बीबीए के लिए थर्ड रैंकिंग, तो यार थर्ड रैंकिंग काफी अच्छी है। और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट टॉप 20 स्कूल्स अंडर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन यूपी में इसे मिली है यार 4 रैंकिंग, तो ये भी काफी अच्छी है। अब हम बात कर लेते हैं यार अगर एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए में स्पेशलाइजेशन है इनकी, ठीक है? स्पेशलाइजेशन किस किस में ऑफर कर रहे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन तुम्हें देखने को मिलेगी, ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर में तुम्हें देखने को मिलेगी। एचआर क्या होता है, तुमने देखा है जो लोग इंटरव्यू लेते हैं तो जो लोग बैठते हैं तो वो एचआर होता है, ठीक है? बिजनेस एनालिटिक्स एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट यानी जो भी बिजनेस चल रहा है उसे एनालाइज करने की जॉब जो तुम्हें मिलेगी वो तुम्हें मिल सकती है। फाइनेंस मैनेजमेंट मिल सकता है, मीडिया मैनेजमेंट यानी अगर तुम्हें बोलना पसंद है तो मीडिया मैनेजमेंट वाला काम मिल सकता है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस तुम्हें मिल सकता है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट तुम्हें मिल सकता है। अब बात करें रिक्रूटर्स की, तो 250+ रिक्रूटर्स इनके वहाँ आए थे, और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 20.7 लाख, ठीक है? 20.7 लाख का एवरेज पैकेज यहाँ पे गया था। एवरेज पैकेज की बात करें, हाईएस्ट पैकेज गया था, आई एम रियली सॉरी, हाईएस्ट पैकेज गया था, ठीक है? एवरेज पैकेज की बात करें तो 7.5 LPA गया था। इंटर्नशिप यार यहाँ पे 100% तुम्हें देखने को मिलेगी इंटर्नशिप, और यहाँ पे तुम्हें यार प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, लाइव प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, इंटरनेशनल एक्सप्लोरर सबसे अच्छी चीज यार ये तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगी, सॉफ्टवेयर फॉर एनालिटिक्स एंड मॉडलिंग देखने को मिलेगा, एडिशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स इन लाइन विद स्पेशलाइजेशन ये देखने को मिलेगा, कोलैबोरेशन फॉर रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्टूडेंट्स ड्रिवन क्लब्स एंड सोसाइटीज ये भी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है? अब एमबीए की यार फीस की बात कर लेते हैं कि तुम्हें फीस कितनी देनी पड़ेगी एमबीए करना है, ठीक है? तो यहाँ की फीस यार बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि एमबीए में यार फीस जाती है 20-20 लाख तक। यहाँ पे अगर एनुअल फीस तुम लोग देखोगे तो 5 लाख है, ठीक है, तुम्हारी एक साल की, और दूसरे साल की 5 लाख है, और अगर तुम इसमें सारी चीजें मिला दो, लिविंग एक्सपेंस वगैरह सब मिला दो, तो ये कुल मिला के तुम्हारी बन जाएगी 13.75 लाख से लेके 14.35 लाख, डिपेंडिंग अपॉन विच हॉस्टल यू आर टेकिंग। अब बात करें यार एमबीए में स्कॉलरशिप क्या क्या देखने को मिलेंगी, ठीक है? तुम्हें स्कॉलरशिप की बात करें तो यार 50% स्कॉलरशिप तुम्हें देखने को मिलेगी अगर तुम्हारी कैट या जैट में परसेंटाइल 80 से अबव है, ठीक है? तो इतनी यार ले आना आराम से, यार इतना लाना इजी होता है, ठीक है? ये तुम ले आओगे। बाकी यार सीमैट में 86 से ऊपर होनी चाहिए, और जीमैट और जीआरई का स्कोर तुम्हारा 601 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है? अब बात करें यार फ्री रिबेट फॉर द टाइम्स ग्रुप एम्प्लॉय, तो यार ये टाइम्स ग्रुप का ये कॉलेज, तो उनके लिए यार कुछ फ्री रिबेट्स हैं, ठीक है? बाकी कंटिन्यूएशन ऑफ एकेडमिक स्कॉलरशिप तुम्हें देखने को मिलेंगी,
और सिबलिंग स्कॉलरशिप अगर तुम्हारे कोई भाई बहन पढ़ रहे हैं तो वो तुम्हें देखने को मिलेगा, एलुमनाई स्कॉलरशिप तुम्हें देखने को मिलेगी, सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी, डिफेंस में कोई है तो देखने को मिलेगी, और स्पोर्ट्स में भी देखने को मिलेगी यार। तो स्कॉलरशिप्स काफी सारी हैं, वो तुम लोग देख सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अब बात करें यार प्लेसमेंट्स एंड पैकेजेस की, कि ये तो बात हो गई, अब हमें प्लेसमेंट और पैकेजेस क्या क्या यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें प्लेसमेंट्स एंड पैकेजेस की, तो एमबीए में जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो गया 20.7 LPA, विच इज अ लॉट यार, 20.7 LPA काफी अच्छा होता है। एवरेज की बात करें तो 7.5 लाख का LPA, 7.5 लाख का पैकेज तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये यार इनकी वेबसाइट से मैंने डाला था तो तुम लोग देख सकते हो। बाकी मेजर रिक्रूटर्स की बात करें तो यार बायजूस यहाँ पे रिक्रूट करता है, HCL रिक्रूट करता है, और यार ये डी शॉक एंड को रिक्रूट कर रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो यहाँ पे रिक्रूट कर रही हैं। ठीक है, टॉप कंपनीज तो कर ही रही हैं, बाकी और कंपनीज भी हैं जो तुम्हें यहाँ पे रिक्रूट कर रही होंगी। अब बात करें यार फैसिलिटीज़ की, तो यार सभी तरीके की लैब वगैरह तुम्हें देखने को मिलेंगी, जो भी यहाँ पे चीज़ें होती हैं, स्टेडियम फैसिलिटीज़ तुम्हें पूरी देखने को मिलेंगी, फिर चाहे वो जिम हो, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, स्विमिंग पूल हो, सब कुछ तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, AC लाइब्रेरी है यहाँ पे, और यार बुक भी इजिली इशू हो जाती है, गुड फूड आउटलेट्स आर अवेलेबल, तो यार कुछ फोटोज भी मैंने डाल रखी हैं, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेंगी। अटेंडेंस रूल यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज है तो यार अटेंडेंस से बच जाओगे, अटेंडेंस से कोई नहीं बच सका भाई, हम भी नहीं बच सके हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले भी नहीं बच पाएंगे। नो रैगिंग, वरना DC तो रैगिंग वैगिंग नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, और तो रैगिंग वैगिंग यार करना भी मत, ठीक है, रैगिंग पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि रैगिंग से क्या होता है अगर तुम्हारे साथ रैगिंग हो रही है, रैगिंग मतलब प्रॉपर रैगिंग, ठीक है, जिसमें फिजिकल मारा जाता है, ठीक है, अगर हो रही है तो कैसे बचें, तो उस पर भी यार कभी वीडियो हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, अब बात करें यार नेक्स्ट चीज़ की, तो हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटी, तो 1.75 लाख हॉस्टल प्लस मेस फी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अदरवाइज यार तुम अपना किसी ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है, 12-13 हज़ार पर मंथ में तुम्हें आसपास कुछ देखने को मिल जाएगा जहाँ पे तुम जा सकते हो। लॉन्ड्री फैसिलिटी तुम्हें देखने को मिलेगी, PG अवेलेबल नियर बाय, ठीक है, PG भी तुम्हें देखने को मिलेगा। अब बात करें यार फाइनल वर्डिक्ट की, भैया लेना है नहीं लेना, तो जैसे यार अदर प्राइवेट कॉलेजेस MBA कराते हैं ये भी उन्हीं की तरह है, ठीक है, बाकी फीस थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी यहाँ पे। और यार अगर तुम्हें नोएडा में कॉलेज चाहिए तो तुम डेफिनेटली इस कॉलेज की तरफ देख सकते हो। इफ़ यू हैव नो फाइनेंशियल इश्यूज देन यू शुड लुक ओवर दिस कॉलेज, इट हैज़ गुड अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। और बाकी यार कोई तुम्हें डाउट हो, किसी और कॉलेज में रिव्यू चाहिए हो, या तुम इसमें पढ़ रहे हो, ठीक है, या तुमने कुछ जाना है इसके बारे में, तो कमेंट कर देना ताकि यार और लोग देखेंगे तो उनको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, और किसी कॉलेज का चाहिए तो वो भी बता देना। बाकी यार ये मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, यहाँ पे तुम लोग मुझे फॉलो, सब्सक्राइब या मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट होगा तो तुम्हारा रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।